हाय फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वॉचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर नोबल ट्रूथ्स गिवन बाय महात्मा बुद्ध। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के चार आर्य सत्य की। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने महाभी निष्क्रमण के बाद, महाभी निष्क्रमण का मतलब गृह त्याग के बाद, महात्मा बुद्ध उस समय सिद्धार्थ थे, महात्मा बुद्ध नहीं हुए थे, सिद्धार्थ पहुंचते हैं बोध गया और वहां पे निरंजना नदी कहें या उसे पुनपुन नदी कहें, उसके पास वो बोधि वृक्ष जो है, उसके नीचे पीपल का पेड़ है, उसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और उसके बाद वो अपना पहला सर्मन यानी कि पहला उपदेश देंगे पांच ब्राह्मणों को, और वो पांच ब्राह्मण थे आंज, असज्जी, वप, भद्दीय और कौंडिन्य, ठीक है। और उनके इस उन्होंने जो पहला सर्मन दिया, इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म का चक्र चल चुका, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो उनके कुछ टीचिंग्स हैं जिसमें कि ये चार आर्य सत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम देखने वाले हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, जीवन में दुख है, लाइफ हैज सफरिंग्स, ठीक है, दुख है, सोरो है, ठीक है, लाइफ हैज सफरिंग्स। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, एवरी सफरिंग हैज ए कॉज, इट मीन्स एवरी सफरिंग हैज ए रीजन, एवरी सफरिंग हैज ए कॉज, एवरी सोरो हैज ए रीजन, ओके। और इसे उन्होंने कहा दुख समुदाय, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने कही, तीसरा आर्य सत्य उनका, यहां पे मैं चार नंबर दे दूं, तीसरा आर्य सत्य उनका था सफरिंग्स कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब खत्म हो जाएगा, इट मीन्स यू कैन या वन कैन गेट रीड ऑफ वंस सोरोज, वन कैन गेट रीड ऑफ वंस सफरिंग्स, यानी कि आपको दुखों से छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। इसको कहा गया दुख निरोध, ठीक है, हिंदी में कहेंगे दुख निरोध। और चौथा उन्होंने कहा देर आर वेज टू गेट रीड ऑफ सफरिंग्स, रास्ते हैं इन दुखों से छुटकारा पाने के। और इसको कहा गया दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब मार्ग, हिंदी में इसी को कहेंगे दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, यानी दुख निरोध का, यानी दुख को खत्म करने का क्या है, मार्ग है। और ये कौन सा मार्ग है, एट फोल्ड पाथ, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ, ठीक है, इसे अभी हम समझेंगे। तो अब तक हमने ये चार आर्य सत्यों को देखा, ठीक है, चार आर्य सत्य, जीवन में दुख है, दुख के कारण है, जिसे दुख समुदाय कहा गया। और उसके बाद कहा गया कि दुखों का निवारण भी है, दुख निरोध निवारण है, और निवारण कैसे है, इसके लिए दुख निरोध गामनी प्रतिपदा है, यानी कि देर आर वेज टू गेट रीड ऑफ सफरिंग्स, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा है, यानी कि दुख को दूर करने का मार्ग है। और वो मार्ग क्या है, एट फोल्ड पाथ, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, इसे अभी हम समझेंगे। अब यहां पे आपको यह समझना है कि ये दुख है तो एवरी सफरिंग हैज ए कॉज, और ये कॉज क्या है, देखिए इस कॉज को समझिए, कॉज जो है ये डिजायर है, डिजायर का मतलब इच्छा, और यही इच्छा आपको अज्ञानता, ये डिजायर क्यों है, अज्ञानता के कारण है, ठीक है, अज्ञानता के कारण है, क्योंकि इस डिजायर की वजह से ही आप लोभ में यानी कि ग्रीड में, माया मोह में, प्रेम में, आसक्ति में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिजायर ही आपसे सब कुछ करवाता है, इतनी बड़ी अज्ञानता है, ठीक है। डिजायर क्यों है, डिजायर को ही मानते हैं कि अज्ञानता है, ठीक है। अगर ये अज्ञानता नहीं होगी तो आपको क्या है, आपको लोभ नहीं होगा, आपको किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, प्रेम का मतलब किसी के मोह में पड़ जाना, प्रेम का ये नहीं कि आप किसी के साथ क्रूएल हो जाए, ठीक है ना, लगाव तो होना चाहिए, लेकिन आप किसी के आसक्ति में, प्रेम में इतना पड़ जाए कि आपको किसी चीज की सुध ना रहे, ठीक है ना, वो आपके ऊपर हावी हो जाए, इस प्रेम से मतलब है, ठीक है। लोभ, लोभ आपके ऊपर हावी हो जाए, नकारात्मक चीजें जो है वो हावी हो जाए, तो ठीक है, ये अज्ञानता है। तो इन्होंने कहा दुख है, दुख के कारण है, दुख का निवारण भी है,
और वो निवारण कैसे होगा, दुख निरोध गामी प्रतिपदा है, यानी दुख निरोध का एक मार्ग है। देयर आर वेज टू गेट रीड ऑफ सफरिंग्स। गेट रीड का मतलब होता है, गेट रीड ऑफ का मतलब एक फ्रेज है, गेट रीड ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। ठीक है, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। तो ये कैसे छुटकारा पाएंगे, ये चौथे आर्य सत्य में कह रहा है छुटकारा पाने के लिए आपके पास एट फोल्ड पाथ है, यानी अष्टांगिक मार्ग। अब देखिए इसको समझना है, ये जो पहले दो हैं, पहले दो आपको अगर देखें तो ये यहां से यहां तक, ये और ये, एक और दो, तो एक और दो में निराशा झलकती है, संसार में दुख है, जीवन में दुख है। ठीक है, निराशा, निराशा वाली बात है यहां पे, और दुख के कारण है, दोनों में निराशा झलकती है, यानी पेसिमिस्टिक व्यू है यहां पर। ठीक है ना, तो यहां पे निराशा झलकती है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये पेसिमिस्टिक व्यू हो गया यहां पर, और दूसरा देखिए इन दोनों में, तीन और चार में, यहां दोनों में निराशा झलकती है। अब अगला लाइन जो अगला आर्य सत्य तीसरा कहता है, सफरिंग कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, मींस वन कैन गेट रीड ऑफ सफरिंग्स, दुखों से छुटकारा मिल सकता है, दुखों का निवारण है, एक आशा झलकती है। ठीक है, और ये कैसे है, तो एट फोल्ड पाथ से है, तो इन दोनों में आपको आशा झलकती है। हाँ, यानी कि ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, ये दोनों एक और दो पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं, तीन और चार ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं, यानी बुद्ध की जो टीचिंग्स है वो कहीं ना कहीं निराशा और आशा के बीच की से निकल के आती है। ठीक है ना, ये दो जो हैं निराशावादी व्यू हैं और ये आशावादी है, तीन और चार, तो कहीं ना कहीं निराशा और आशा के बीच से बुद्ध की जो टीचिंग्स है वो निकल के आती है, और यही कहीं ना कहीं इशारा करता है किधर, मिडिल पाथ की तरफ, मध्यम मार्ग की तरफ, क्योंकि आशा और निराशा के बीच से बुद्ध की जो टीचिंग्स है, जो शिक्षा है, कहीं ना कहीं निकल के आती है। तो इसी को हम कहते हैं कि भाई यहां कहीं ना कहीं आपको मध्यम मार्ग की बात हो रही है। ठीक है, यहां पेसिमिस्ट है, पेसिमिस्टिक व्यू है, ठीक है, और यहां इन दोनों में ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच से ही मार्ग निकल के आता है। ठीक है ना, किसका, ज्ञान प्राप्ति का, आपकी अज्ञानता को दूर करने का, और यह अज्ञानता जब दूर हो जाएगा तो आप बुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मिडिल पाथ, इसीलिए कहीं ना कहीं ये मिडिल पाथ यानी कि मध्यम मार्ग की तरफ इशारा करता है। इनका जो चार जो आर्य सत्य है, पहले दो से निराशा और अगले दो से आशा। ठीक है, तो ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, कि ये पेसिमिस्टिक व्यू है, दो पेसिमिस्टिक व्यू दे रहे हैं, दो ऑप्टिमिस्टिक व्यू दे रहे हैं, और इनके बीच से निकल के आ रहा है मध्यम मार्ग की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको समझ लेते हैं कि चौथा जो आर्य सत्य है कहता है भाई कि हमें दुखों से छुटकारा तब मिलेगा जब हम इन मार्गों पे चलेंगे, एट फोल्ड पाथ को फॉलो करेंगे, यानी अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करेंगे। अब ये क्या है अष्टांगिक मार्ग, समझिएगा इसको, राइट ऑब्जर्वेशन। देखिए इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया हुआ, यहां से देखिए सीधे आपको अष्टांगिक मार्ग में आपको सीधे एक वर्ड याद कर लेना है, ओड्सलियम। ओड्सलियम एक निरर्थक वर्ड मैंने बनाया है। ठीक है, ओड्सलियम, अब इससे आपको याद रहेगा, क्रम से याद रहेगा, क्रमवार। ओ से ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को हम हिंदी में बोलेंगे दृष्टि, ऑब्जर्वेशन भी होता है, कहीं कहीं व्यू भी लिखा हुआ मिलेगा, ऑब्जर्वेशन मतलब दृष्टि। डी से डिटर्मिनेशन, संकल्प। एस से स्पीच, वाणी या वाक। ठीक है, एल से लाइवलीहुड, आजीव। ठीक है, ई से एक्सरसाइज, यानी कि आपको सम्यक प्रयत्न करना है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, व्यायाम भी कहते हैं, सम्यक व्यायाम। ए से एक्शन, कर्म या कर्मांत। ठीक है, एम से मेमोरी,
यानी कि स्मृति, और इस एम से मेडिटेशन यानी कि समाधि। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि ये मैंने आपको 8 लेटर दिए हैं और इसका एक वर्ड बनाया है ताकि आपको क्रम से ये याद रहे। अब हमने सबके आगे राइट लगा दिया, राइट का मतलब सम्यक, हिंदी में बोलते हैं सम्यक। अब देखिए, राइट ऑब्जर्वेशन सम्यक दृष्टि, राइट डिटर्मिनेशन सम्यक संकल्प, राइट स्पीच सम्यक वाक या सम्यक वाणी। ठीक है, राइट लाइवलीहुड सम्यक आजीविका, जीवन का निर्वाह। ठीक है, राइट एक्सरसाइज सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयत्न। ठीक है, राइट एक्शन सम्यक कर्म। ठीक है, राइट मेमोरी सम्यक स्मृति, और राइट मेडिटेशन सम्यक समाधि। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ मीनिंग है, समझा देता हूं। राइट ऑब्जर्वेशन का मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है कि आपको राइट पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना है, सत्य क्या है असत्य क्या है, सदाचार क्या है कदाचार क्या है, यानी आपको राइट पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना है, सम्यक दृष्टि रखनी है किसी चीज पर, उचित दृष्टि रखनी है। ठीक है, चलिए राइट डिटर्मिनेशन, इच्छा से अहिंसा से रहित आपको संकल्प लेना है। हाँ, सम्यक संकल्प, जो भी काम आप करने जा रहे हैं और उसके लिए कोई संकल्प लेंगे तो वो उचित होना चाहिए। देखिए सबका मतलब लगभग वही है। ठीक है, उचित उचित उचित, राइट का मतलब उचित, सम्यक का मतलब उचित। ठीक है, राइट स्पीच सम्यक वाक सम्यक वाणी, आपको मीठा बोलना है, आपको मृदु बोलना है। ठीक है ना, आपको धर्म सम्मत बातें बोलनी है, आपको सत्य बोलना है। ठीक है, क्लियर है। राइट लाइवलीहुड मतलब अगर आप अपना जीवन जी रहे हैं तो सदाचार का पालन करते हुए जिए, अच्छे कर्मों को करते हुए जिए। ठीक है, ये कहता है राइट लाइवलीहुड। राइट एक्सरसाइज सम्यक व्यायाम का मतलब या सम्यक प्रयत्न का मतलब, किसी चीज के लिए अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो सम्यक प्रयत्न करें, उचित प्रयत्न करें, मतलब सही राह पे सही दिशा में आप प्रयत्न करें। ठीक है, उसके बाद राइट एक्शन सदकर्म करें, अच्छे कर्म करें, सम्यक कर्म सम्यक कर्मांत उचित कर्म, अच्छे कर्म करें। ठीक है, सबका मतलब लगभग वही है। ठीक है, राइट मेमोरी नकारात्मक चीजों को स्मृति में ना रखें, अच्छी बातों को स्मृति में रखें, और हमेशा अपने स्मृति में रखें कि कैसे मुझे अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है ना, तो वो राइट मेमोरी का मतलब राइट स्मृति। और राइट मेडिटेशन चित्त की मेडिटेशन का मतलब एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता पे ध्यान दें, आपकी जो एकाग्रता होनी चाहिए सम्यक होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। ठीक है ना, आपकी एकाग्रता, आप जब समाधि कर रहे हो, जब एकाग्रचित हैं, तो उचित बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो ये मैंने एट फोल्ड पाथ है ये आपको बताया, इसका पालन करेंगे तो आप इस अज्ञानता से दूर हो जाएंगे। अब कहता है भाई कि अष्टांगिक मार्ग के तहत इन्होंने मध्यम मार्ग को चुनने की बात कही। अब मध्यम मार्ग क्या है, यहीं पे मैंने आपको दिखा दिया, मिडिल पाथ है क्या महात्मा बुद्ध का। ये कहते हैं कि आपको कहीं भी अतिशय नहीं करना है, अतिशय का मतलब किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। मान लीजिए आप अपना जीवन जी रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा विलासी हो जाएं, ठीक है, लग्जरियस लाइफ जिए, या ऐसा भी ना हो कि काया क्लेश वाला जीवन जिए। काया क्लेश समझते हैं, जब आप जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसको और बेटर ढंग से समझ पाएंगे। काया क्लेश का मतलब होता है अपने शरीर को बहुत कष्ट देना, कई बार तो उपवास से इसमें लोग अपना प्राण भी त्याग देते हैं। ठीक है, तो एक कहता है कि एकदम दरिद्रता वाली स्थिति में भी नहीं जानी है, काया क्लेश वाली स्थिति में भी नहीं जानी है कि अपने शरीर को बहुत कष्ट देना है, या इतना भी भोग विलासी मत हो जाइए, इतना भी विलासिता और लग्जरियस लाइफ आप ना जीना शुरू कर दें कि वो भी आपके लिए हानिकारक हो जाए। तो आपको एक्सट्रीम से दूर रहना है, बीच वाला पाथ अपनाना है, ना बहुत ज्यादा आपको विलासिता वाला जीवन जीना है, ना बहुत ज्यादा काया क्लेश वाला जीना है, बीच का मार्ग अपनाना है। थोड़ा आप अपने जीवन को बेहतर भी कर लें और ऐसा ना हो कि आप दरिद्र रहें, जैसे कि कहा जाता है, बुद्ध कहते हैं सत्य बोलना है। ठीक है ना, सत्य बोलने का मतलब ये है, ये नहीं है कि आपको बिल्कुल हर स्थिति में सत्य बोलना है, हर स्थिति में आपको सच ही बोलना है। मतलब अगर किसी की जान बचाने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है तो उसके लिए आप थोड़ा अपने मार्ग से हट सकते हैं,
ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाए कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि सत्य ही बोलना है तो हम अपने रास्ते से थोड़ा सा भी डेविएट नहीं करेंगे अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो तो ये महात्मा बुद्ध का कहना है। प्रायः आप सत्य बोलेंगे लेकिन जरूरत पड़े किसी अच्छे काम के लिए तो अगर झूठ वहां बोलना पड़े तो वो चलेगा। ठीक है, तो उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही थी। तो हमने यहां पर क्या समझा, हमने चार आर्य सत्य को समझा और अष्टांगिक मार्ग को समझा। यहां पर आपको ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना, इससे क्रम में याद रहेगा, यह ट्रिक मैंने बता दिया है, आप चाहे तो खुद भी ट्रिक डेवलप कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रिक डेवलप करना बहुत आसान है। तो ये आप कर लीजिएगा और इसी शब्द को आप याद कर लें, आपको सब कुछ याद रहेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।